सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफटीसी व्लॉग 0063। हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई, जैसे कि हम लोगों ने कल आपको, मतलब आज रात को ही आपको बोला था कि हम पीड़ा में पहुंच चुके हैं और रात को सोए थे यहाँ पे। अभी रात के बज चुके हैं, मतलब सुबह के बज चुके हैं दो। तो एक बार फिर से हमारा सफ़र कंटिन्यू होने जा रहा है। अभी पियेंगे चाय वगैरह, फिर निकलेंगे यहाँ से अपने अवंतीपुरा के लिए। तो करते हैं एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। लेट्स गो भाई। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं रामबन बाजार में और सुबह के बज चुके हैं 2:30। और एक और बात है कि जो रामबन वाली पस्सी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बार बार आती जा रही है। अभी भी रात को पस्सी गिरी हुई थी, इसलिए जाम था थोड़ा सा क्या, मतलब ठीक ही जाम था। तो हम तो पीड़ा में सो गए थे पर फिर भी जाम था। तो चलो भाई, आगे हम लगाएंगे फॉरेस्ट की और चेक करवाएंगे वहाँ पर बिल्डिंग, फिर उसके बाद चल पड़ेंगे दोबारा, अपना सफ़र जारी कर लेंगे। टिप्पर वाला जा रहा है, ऊपर रेट डाला हुआ है पैसों के लिए भूसा। तो रामपन बाजार में अभी फिलहाल तो जाम नहीं है। तो भाई 80 से जो भी निकले, कम से कम थोड़ा देख सुन के निकले, क्योंकि 80 गिरने का फुल अमकान है अभी भी। तो चलो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए चलते हैं, अभी करते हैं अपना सफर कंटिन्यू। पहुँच चुके हैं हम रामबन चेक पोस्ट, फॉरेस्ट चेक पोस्ट रामबन में। तो आगे खड़ी है नसीर भाई की गाड़ी, इसमें भी लकड़ी लोड है और है पता कहाँ कहाँ माल है ये तो मालूम नहीं है। तो गए हैं जाहिद करवाने बिल्डिंग चेक। लग चुका है भाई जाम, ये गाड़ी मेरे ख्याल से नहीं चढ़ी इसलिए जाम लगा है। एक दो गाड़ियाँ ये चढ़ाई नहीं चढ़ चुकी हैं, लग गया जाम। सुबह के बज चुके हैं 4:30 और पहुंच चुके हैं हम लोग बनाल। नसीर भाई जा रहा है आगे आगे और जाहिद भी उठ के बैठा हुआ है। बहुत सारी गाड़ियां आज, मतलब रास्ता बंद होने की वजह से लेट हो गई हैं। तो चलो भाई, थोड़ी सी दूर रह गया है टोल पोस्ट, करते हैं उसको पार। ये है रेलवे का ब्रिज, बहुत गाड़ियां आज टोल पे। पहुंच गए जी बनाल काजीकुंड टंडल पे। लो भाई, पहुंच चुके हम लोग इस टाइम काजीकुंड टोल पे। तो गाड़ियां खड़ी हैं अपनी टर्न पे। क्या कर रहा है यार गड्डी वाला, पैसेंजर गाड़ी सब गाड़ियां खड़ी हैं अभी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो 8 बज चुके हैं सुबह के और हम पहुंच चुके हैं अपनी जगह जहां पे खाली करनी है। तो बारिश भी हो रही है जहां पे, दिखाते हैं बाहर का मौसम आपको, कितना प्यारा मौसम बना हुआ है बाहर देख सकते हो आप। ये अवंतीपुरा, फाइनली आ चुके हैं हमारे व्यापारी, बोल रहे हैं लगाओ गाड़ी, करेंगे अभी यहाँ पे अनलोड। तो मिलते हैं अभी आप। चुका है जायद कर रहा है इसको इकट्ठा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हो। ये अवंतीपुरा अंदर से आ रहा है और ये श्रीनगर को जा रहे हैं, ये श्रीनगर से आता है। तो
यहाँ पे करेंगे हम खाली गाड़ी। अपनी अनलोडिंग का काम हो चुका है स्टार्ट, तो जब्बा कर रहा है बेल्टें इकट्ठी, और मौसम देख सकते हो कितना सुहाना है, पहाड़ों पे बादल देखो कितने अच्छे हैं, क्या लुक है बादलों की। और जैसे कि मैंने बोला कि वो बीजवाड़ा से अपना अवंतीपुरा से रास्ता आता है और ये जाता है सीधा श्रीनगर से, और श्रीनगर से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। हेलो गाइस, 11 बज चुके हैं, तो अभी गए थे हम थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेने, तो गाड़ी हमारी हो रही है खाली, तो बनाएंगे अभी हम खाना, क्योंकि अभी लेके आए हैं प्याज टमाटर, बना रहे हैं हम चिकन, तो मिलते हैं अभी आपको। सामने लगी है हमारी गाड़ी, शायद आप लोगों को नहीं दिख रही है, दिखेगी कैसे, है ही नहीं सामने, वो खड़ी है सामने, हो रही है खाली। गाड़ी खाली, ये है गडौन अवंतीपुरा में, तो बस आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी है, खाना भी हमारा रेडी है, अब खाएंगे खाना। थोड़ा सा जायद भैया कर रहे हैं सफाई, तो चलो जाते हैं अपना खाना का काम। अपना रेडी है, अभी खाएंगे हम खाना, फिर सो जाऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ी सी सेहत ठीक नहीं लग रही है, तो चलो भाई ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, खाते हैं खाना। हाय फ्रेंड्स, दिन के बज चुके हैं, कितने बज चुके हैं देखने दो, एक बज चुका है, और खाना वगैरह हमारा हो चुका है, जायद बर्तन साफ करके भी आ गया है, तो अभी करेंगे हम रेस्ट। गाड़ी हो रही है खाली, आधी से ज़्यादा मतलब खाली हो चुकी है। जायद कितनी भी खाली देखा, पूरी होगी खाली, पूरी कैसे होगी, पूरी पोसली होगी, थोड़ी सी रहेगी, तो मिलते हैं फिर निकलते हैं, कान भाई भी है आज, तो चलो लेट्स गो। गाड़ी हमारी हो चुकी है खाली और निकल रहे हैं हम कान भाई की तरफ, क्यों जाए भैया, निकलेंगे, भाड़ा बूढ़ा हमें मिल चुका है, तो निकलेंगे अभी हम जम्मू की तरफ, देखते हैं जम्मू जाके क्या होता है हमारे साथ सीन अगला, तो चलो भाई चलते हैं। भाई निकल रहे हैं अभी हम लोग गाड़ी लेके घर को, तो क्या मस्त व्यू है सरनर का सुबह सुबह, और जाहिद कर रहा है इरफान से बातें, ला इरफान इधर ला, और इरफान इस वक्त कर रहा है हमारे साथ बात, ये देखो टकला दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई, ये देखो बंदा बार बार ऊपर आ रहा है, क्या हाल है इरफान देरो, और ठीक ठाक हो, और ठीक रहा तो ब्लॉग बन रहे हो मेरा, क्या मस्त व्यू है भाई, एकदम ओके। तो आ चुके हैं हम लोग काजीकुंड लाइन में, अभी काजीकुंड बाईपास वाली गाड़ियां छोड़ी हैं हम, तो अभी मतलब काजीकुंड बाईपास से पीछे हूँ बस कर, तो हमें लगी थी भूख, तो हमने सोचा चलो खाना पड़ा हुआ खा लेते हैं, तो चलो ठीक है भाई मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। सामने देखिए क्या मस्त व्यू है बादलों का और पहाड़ों का, ये पहाड़ हम सीधा पार करेंगे जाएंगे बनाल वाली साइड। पिछले 2 घंटे से प्रॉपर जाम में लगे हुए हैं, थोड़ी 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 करके यहाँ पहुँच चुके हैं, अब वो सामने रहेगी थोड़ी सी गाड़ियाँ और फिर निकलेंगे जाम से बाहर, फिर आगे बनाल में जाम लग जाएगा, मतलब देखते हैं अब क्या होता है यार, कुछ कहा नहीं जाता, कब से लगे हैं जाम में, झटके दे के पहुंचे यहाँ पे। चलो जी चुके हैं हम लोग बनाल वाली साइड टंडल पार करके, और मौसम भी खराब होता नजर आ रहा है हमें, देखिएगा क्या मस्त लुक है, मस्त व्यू है, पहले उन पहाड़ियों से जाता था रास्ता अपना, बड़ा लंबा जाम आ गया यार, और जाम पहुंच चुका यहां तक, भाई हम लोग बनाल में, बहुत लंबा जाम लग चुका है,
पे जाम लगा है बनाल बाजार की वजह से, इसलिए जाम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हाय फ्रेंड्स, रात के बज चुके हैं 10। यहाँ पे हो गया हमारा खाना पीना। इस टाइम हमने है पिछली बार की तरह आराम से, जाम लगा हुआ बहुत लगता, तो हमने फैसला लिया है कि इधर के मैं और जाहिद यहीं पे सोएंगे और सुबह उठ के जाएंगे यहाँ से। मुझे ऐसा लगा कि इस बार आज दोबारा रामबन में पस्सी गिर चुकी है, इसलिए गाड़ियों का लंबा जाम यहाँ तक वहाँ पहुँचा है। तो करते हैं इस ब्लॉग का हम यहाँ पे एंड, मिलते हैं आपको सुबह एक न्यू ब्रांड ब्लॉग के साथ। तो आजकल आप लोग हमारे चैनल पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, तो भाई अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो ब्लॉगिंग बंद कर देंगे। तो करते हैं भाई इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड। चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके भाई, थैंक यू।